क्या आप कभी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी की तलाश है तो बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो आप। पपाया यानी कि अमरूद भंडा और चना जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है, दोनों को मिला के जबरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, तो जुड़ी रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, लिटिल कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम चना को उबालना है। ये ओवरनाइट चना हमने भिगो के रखा था, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक, हल्दी और 2-3 ड्रॉप सरसों का तेल डाल के 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबाल ले। चना को उबालने के लिए कोई प्रेशर कुकर का यूज ना करें, क्योंकि उसमें इस यूज करने से इसका गुणवत्ता में फ़र्क आ जाता है, तो इसीलिए आप इसको ढक के ही पकाएं, प्रेशर कुकर का यूज ना करें। तो जब तक चना उबाल रहा है तब तक हम दूसरे साइड में पपीता वाला ही सब प्रिपरेशन कर लेते हैं। पपैया यानी कि अमृत भंडा नाम ही काफ़ी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। पपैया पपीता जो भी बोले, अमृत भंडा, तो इसको आपने अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और स्वस्थ रहे। पपीता को पहले काट के 2 टुकड़े में ना, उसके अंदर वो जो उसके सीड्स रहते हैं उसको साफ कर ले अच्छे से, और जो ऊपर वाला स्किन है उसको छिलने की मदद से या तो चाकू की मदद से आप साफ कर ले अच्छे से, छिल ले उसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है आपका समय बचाने के लिए। उसके बाद तो इसको पतले पतले में काटना है, ताकि हमें ज़्यादा पकाना नहीं इसको, इसीलिए हम जितने पतले में हो सके इसको काट लें, और पहले लंबा लंबा काट लेंगे फिर छोटा छोटा टुकड़ा में काट लें, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सारे काट लिया है। तो ग्रेवी के लिए हम यूज करें यहाँ पे एक प्याज, अदरक, लहसुन, तो हरी मिर्च, एक छोटा टमाटर और धनिया पत्ता। तो इसको हम छोटे छोटे काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सारे को मैंने चॉप कर लिया छोटे छोटे, बट अभी भी इसमें एक काम रह गया है, जो अदरक लहसुन है उसको आप एक फाइन पेस्ट बना ले। जो चना हमने उबालने के लिए रखा था ना, उसको आप चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ सही से, आप भी चेक कर ले। 10-15 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, पक जाता है अच्छे से। अब उसके बाद फिर हम इसको अलग से शिफ्ट कर लेते हैं, इसी कढ़ाई में हम बनाने वाले हैं इसका ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ को मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, और जैसे कि ये हेल्दी रेसिपी है तो इसमें हम देसी घी का यूज करेंगे। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, यानी कि 2 छोटे चम्मच या तो 1 बड़े चम्मच। जैसे घी गर्म हो जाएगा उसमें तड़का मारेंगे जीरा का। जब जीरा और देसी घी का तड़का लगता है ना, तो वो जो खुशबू आती है लाजवाब रहती है। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा नमक, और इसको थोड़ा सा भूंज ले। उसके बाद इसमें मिला ले कटी हुई हरी मिर्च। अब मिला ले इसमें कटी हुई जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना, उसको मिला ले, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूंज ले। इसके बाद इसको ढक ले 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चा वाला स्मेल है ना वो चला जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी मिला कर अब 1-2 मिनट के लिए और भूंज ले। उसके बाद इसमें मिला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो सारे को अच्छे से मिला ले और थोड़ा सा पानी डाल के ना 1-2 मिनट के लिए और इसको भूंज ले। अब टाइम आ गया जो कटी हुई पपीता है ना वो डालने की, इसको आप डाल दीजिए और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इसको भूंजने के बाद अब टाइम आ गया है टमाटर डालने की, और टमाटर डाल दीजिए, और जब भी टमाटर डाल दे थोड़ा सा नमक डाल दे, ताकि जो टमाटर का खट्टा होना है ना वो ज़्यादा ना निकले, और सारे जो चीज़ों का फ्लेवर है वो ऐसा ही कि ऐसा ही रहे। इसके बाद थोड़ा सा पानी मिला कर 1-2 मिनट के लिए और भूंज ले, और पानी आगे और मिलाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा कर ले। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट भूंज लिया है, अभी थोड़ा और पानी डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको और भूंज लेते हैं। तो आखिर में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ढक देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने 100 ml पानी का यूज किया है। तो ढके पे इसको अभी 5 मिनट हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा हम चला लेते हैं फिर इसको ढक देंगे। तो यहाँ पे हमने
ढक के और 5 मिनट पका लिया है, तो कुल मिला के ये 10 से 15 मिनट में हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ सही से। तो पपीता यहाँ पूरा पक गया है, मैंने चेक कर लिया है, और थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो अभी जो उबला हुआ चना है वो डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आखिर में मैं मिला रहा हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, ये रोस्टेड मसाला है इसीलिए मैं आखिर में मिला रहा हूँ। यहाँ पे आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैगी मसाला को हमने अच्छे से मिला लिया है, जैसे कि मैंने पहले बोला था इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पका लेते हैं, ताकि जो मैगी मसाला का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर जाए और अच्छा टेस्टी बने। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट ढक के पकाने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डाल दीजिए धनिया पत्ता और इसको भी खाइए ब्रेकफास्ट में, रोटी के साथ, स्टैंड बाई सब्जी जैसे चावल के। तो ये जो प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसको आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खाइए। तो इस रेसिपी को 2-3 दिन हफ्ते में ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें और स्वस्थ रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद।